दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप वीडियो अच्छी बनाइए, हम ये भी नहीं बताएंगे कि ऑडियो क्वालिटी बढ़िया रखिए, हम ये भी नहीं बताएंगे कि कंटेंट अच्छा रखिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पहले 1000 सब्सक्राइबर यानी आपने चैनल की शुरुआत की है तो शुरुआती 1000 सब्सक्राइबर आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है, और 1000 सब्सक्राइबर जब आपके हो जाते हैं तो उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़ना अपने आप शुरू हो जाता है, यानी आसानी से सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं। तो पहले शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका एक छोटा सा तरीका आपको बताऊंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान के साथ देख लीजिए, सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हम नहीं चाहते कि आप अधूरी वीडियो देखें और आपकी जानकारी अधूरी रहे और आप दूसरी वीडियो फिर सर्च करते रहे, परेशान होते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आसान भाषा में कुछ अच्छा और नया सीखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन सबसे ऊपर वाला घंटी का बटन, बेल आइकॉन, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फ़ायदा ये होगा कि हमारी वीडियो आप तक समय समय से पहुँचती रहेगी और आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो चलिए आसान भाषा में कुछ अच्छा और नया सीखते हैं। दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर अगर आप सर्च करते हैं YouTube पर कैसे बढ़ाएं, तो इस पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी और आपको सभी वीडियो में एक ही बात बताई जाएगी कि कंटेंट अच्छा रखिए, ऑडियो क्वालिटी बढ़िया रखिए, वॉच टाइम बढ़ाइए, ऑडियंस रिटेंशन अगर आपको मिलेगी तो आपके व्यूज़ आएंगे, तो आपके सब्सक्राइबर मिलेंगे। यही सारी बातें घुमा फिरा के बताई जाती हैं। ये सारी बातें ज़रूरी हैं। जब आप एक वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो पर अगर ऑडियंस रिटेंशन अच्छी है, यानी उस पर अगर कोई आता है और ज़्यादा वक्त बिताता है, वीडियो ज़्यादा देर तक देखता है, लगभग आधे से ज़्यादा वीडियो देखता है, तो वो वीडियो ज़्यादा चलती है और आपके व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ आएंगे तो सब्सक्राइबर आएंगे। ये सब तो आम बात है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं वो क्या है। आपको कुछ नहीं करना, आपने जब वीडियो अपलोड करना शुरू किया है तो निरंतरता बनाए रखनी है। आप एक दिन में 2 वीडियो अगर अपलोड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप हफ्ते में 2 करते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप बस रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहिए लगभग 3 से 4 महीने। यकीन मानिए, अगर आप 3-4 महीने अपना एक टाइम शेड्यूल फिक्स करके वीडियो अपलोड करते रहते हैं तो आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। YouTube पर सिर्फ आपको निरंतर काम करना होता है, बस यही निरंतरता आपको आगे लेकर जाती है, बाकी सारी बातें सेकंड नंबर पर हैं। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जुड़े रहिए टेक्निकल RJM के साथ। धन्यवाद।